लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन अमरीश पुरी से हर कुथर आता था। फिल्मों में उनकी दमदार आवाज और मोटी मोटी डरावनी आंखें हर किसी को डरा देती थीं। अमरीश पुरी ने कभी मोगैम्बो बनकर डराया तो कभी घातक में मिस्टर चड्ढा बनकर खलनायक के अवतार में दिखे। अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून को पंजाब के जलंधर शहर में साल 1932 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई हिट फिल्में दी। वह हिंदी सिनेमा जगत के सबसे महत्वपूर्ण और अनुभवी कलाकारों में से एक थे। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में की थीं। अमरीश पुरी अपने खलनायक के रोल्स के लिए खूब हिट रहे। अमरीश पुरी की बॉलीवुड में एंट्री साल 1967 में हुई थी। तब से लेकर 2005 तक उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी का नाम बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में शुमार है। उन्होंने लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। अमरीश पुरी जमीन से जुड़े हुए कलाकार थे। उनकी सादगी लोगों का दिल जीत लिया करती थी। अमरीश पुरी के परिवार की बात की जाए तो उनकी एक खूबसूरत बेटी भी है। अमरीश पुरी की बेटी का नाम नम्रता है। नम्रता बॉलीवुड की चक्काचौंध से बहुत दूर हैं। नम्रता ने ग्रेजुएशन के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली है। जब सोशल मीडिया पर नम्रता की फोटो सामने आई तो लोग देखते रह गए। नम्रता काफी सादगी पसंद इंसान है। वह काम और सिंपल लाइफ पर फोकस करती हैं। वह किसी भी तरह की लाइमलाइट में नहीं है। 12 जनवरी 2005 में अमरीश पुरी जी ने अपनी आखिरी सांस ली।